सर, जैसे कि बताइए, जैसे एक मैसेज वायरल हो रहा है बार बार, जैसे ग्रुप डी की जो भर्ती हुई थी उसमें ऐसा लगता है जैसे भाई दोबारा से डीसी रेट की तरह ही मतलब लगाया जा रहा है, इसमें आपकी क्या प्रक्रिया है सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, हमें पिछले परसों हमें एक बात का पता चला है कि मैंने भी देखा है कि इसकी वेबसाइट के ऊपर ग्रुप डी में शिक्षा विभाग में जो कर्मचारियों की नियुक्ति दी जा रही है उसमें सरकार ने दो नियम कठोर लागू कर दिए। एक तो ये है कि इसमें जो युवा साथियों का सिलेक्शन हुआ है उनसे एक बात पर सिग्नेचर करवाए जा रहे हैं कि आने वाले 5 साल में वो किसी की अन्य भर्ती के लिए, वो जो डिपार्टमेंट है उनको इस बात की परमिशन नहीं देगा कि वो किसी भी अन्य भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सके। तो ये जो हमारे जो युवा हैं उनके लिए एक बड़ा धोखा है, क्योंकि इस भर्ती में हमारे हज़ारों की संख्या में पीजी और 5,500 की संख्या में यूजी युवाओं ने इसका एग्ज़ाम दिया था जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये 6,000-7,000 युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा अगर उनको इस प्रकार से दोबारा फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया जाता है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि भाई इस नियम को, शिक्षा विभाग इस नियम को हटाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो प्रतिभा है उसको एक प्रकार से रोका जा रहा है। क्योंकि ऐसा नियम आज से पहले हमने किसी भी विभाग में नहीं देखा कि जहाँ भी सिलेक्शन हो जाता है तो वो परमिशन लेके किसी भी चीज़ की तैयारी कर सकता है और इससे उच्च स्तर की नौकरी के लिए कहीं भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो हम मुख्यमंत्री से और शिक्षा मंत्री से इस बात की अपील करते हैं कि इस नियम में जल्द से जल्द वो संशोधन करें और इस नियम को हटाया जाए। इस बात का आपको कैसे पता लगा जिस तरह की आप जिसे बात ये बता रहे हैं? ये चीज़ जब सोशल मीडिया में जैसे आपने बताया वायरल हुई, तो मैंने उनकी वेबसाइट पर जब आप ये बात जाके देखी तो उसमें ये लाइन लिखी हुई है। इसके साथ साथ एक जो दूसरी बात है वो ये भी लिखी हुई है कि आ रहा है सुनने में कि जो जिनको यहाँ ज्वाइनिंग करवा रहा जा रहा है तो जो वहाँ पहले डीसी रेट पर आउटस्टैंडिंग में जो कर्मचारी काम कर रहे थे, जो पिछले 8-10 साल से काम कर रहे थे, उनको घर वापसी भेजा जा रहा है। तो हम ये भी सरकार से निवेदन करते हैं कि उन जो आदमी, जो कर्मचारी, जो युवा साथी 8-10 साल तक इस किसी भी विभाग में काम किया है उनको घर भेजने की बजाय जो हरियाणा सरकार की जो रिक्त पद हैं हमारे फिलहाल जो हाजिर हैं उनमें उनको समायोजन किया जाए, ताकि अगर ऐसा होता है तो जितने रोजगार मिलेंगे उसके साथ साथ उतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो उस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा।